यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेश के नए और स्थायी डीजीपी का प्रस्ताव यूपीएससी को भेज दिया है। इस प्रस्ताव में डीजी रैंक के 20 और करीब इतने ही एडीजी रैंक के अधिकारियों का नाम शामिल है। यूपीएससी अब इन सभी अधिकारियों में से 3 ऑफिसरों का नाम राज्य सरकार को सजेस्ट करेगी और राज्य सरकार को इन्हीं 3 नामों में से किसी एक को राज्य का डीजीपी नियुक्त करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी राज्य के डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि देश में जब भी पुलिस सुधार का मुद्दा उठता है तो डीजीपी प्रकाश सिंह का नाम सबसे पहले आता है। दरअसल डीजीपी प्रकाश सिंह ने साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जो कि करीब एक दशक तक कोर्ट में चलती रही और 22 सितंबर 2006 को अदालत ने, जब राज्यों और केंद्र के लिए पुलिस सुधार को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए, तो उसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के नाम से जाना गया। कोर्ट की गाइडलाइंस में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट कही गई थी वो ये थी कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाए और उसका कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। इसके बाद जुलाई 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कहा था, अगर किसी राज्य में डीजीपी का पद खाली होने वाला होता है तो उसके 3 महीने पहले ही संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि वो उसकी सूचना यूपीएससी को दे दे। इसके बाद कोर्ट द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य सरकार योग्य अफसरों की एक सूची यूपीएससी को भेजेगी और इसी सूची में से 3 सबसे योग्य ऑफिसरों की एक सूची यूपीएससी राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उन्हीं 3 सबसे योग्य ऑफिसरों की लिस्ट में से राज्य सरकार किसी एक को डीजीपी के पद पर नियुक्त करती है। कोर्ट ने और भी क्लियर करते हुए कहा था, डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा, अगर इससे पहले उसके रिटायरमेंट की तारीख आ जाती है तो भी कार्यकाल पर इसका कोई असर नहीं होगा। साथ ही ये जरूरी है कि पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड अच्छा और उसके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो यही वजह है किसी राज्य के डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अब इसे अगर एक्सपर्ट्स के नजरिए से देखें तो लोग मानते हैं कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में चुनी हुई सरकार की भूमिका कम करके यूपीएससी जैसी एक नॉन इलेक्टेड बॉडी की भूमिका को बढ़ाना अच्छा नहीं है, जबकि कुछ लोग इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका बस सहयोग भर है, क्योंकि इनडायरेक्टली फैसले का अधिकार या कहें कि अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास ही होता है। तो हम अब आपसे जानना चाहते हैं, किसी राज्य को बेस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर मिले और पुलिस राजनीतिकरण का शिकार ना हो, इससे बचने के लिए क्या किए जाने या फिर किस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाए जाने की जरूरत है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। साथ ही यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।